नमस्कार, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए चैप्टर की ओर चलते हैं और आज बात करेंगे ग्रह अवस्था की। तो आपने देखा कि ग्रह अवस्था लिखा और हमने पाठ्यक्रम लिख दिया। ये फलित पाठ्यक्रम से अलग हम इसको रखना चाहते हैं और इसमें भी जो 10, 15, 20 जो भी पाठ्यक्रम आए उसको भी यदि आप क्रम से पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब फल कथन कहने में हम अवस्था का कितना प्रयोग करेंगे, कितना प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब उच्च और नीच की बात होगी तो वहां विरोधाभास भी होता है। क्या विरोधाभास होता है, हम आपको पाठ पढ़ाने के क्रम में बताते रहेंगे। हम लोग जो बहुत आसानी से समझते हैं कि बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था, बस यही 5 अवस्थाएं जो क्रम से हैं उसी को जानते हैं, लेकिन अवस्थाएं कई हैं। हम लोग सारे अवस्थाओं को पढ़ेंगे, इसीलिए ग्रह अवस्था को हमने गोचर फल, दशा फल के तरह अवस्था फल को अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे के पाठ में जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी फलित पाठ संख्या 01 से लेकर के 100 पाठ के अंदर पढ़ा कि सम ग्रह कौन और विषम, सम राशि कौन और विषम राशि कौन, तो उसको सबसे पहले याद कर लेना है। तो हम लोग जानते हैं सम राशि को, सम राशि कौन कौन सी है, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सम राशि है। अब विषम राशि कौन सी है, विषम राशि आप सभी जानते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सम राशि और विषम राशि को अवस्था को समझने के लिए जानना जरूरी है और अगर आपको याद है तो आपके लिए और भी अच्छा, और इसमें याद करने में कोई परेशानी भी नहीं है। हमने आपको सिर्फ रिकॉल कराया है कि पीछे हम लोगों ने सम और विषम राशि को पढ़ा है। सम राशि को स्त्री और सौम्य राशि भी कहते हैं और विषम राशि को पुरुष और क्रूर राशि भी कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने जाना है। चलिए इससे हम लोग आगे निकलते हैं और अब अवस्था की बात करते हैं। तो सबसे पहले अवस्था, अवस्था से मतलब ही समझते हैं। कहते हैं ना कि वृद्धावस्था में आ गए, ये मेरा तीसरा चरण जीवन का चल रहा है, जीवन के चौथे चरण को वृद्धावस्था कह देते हैं और पांचवें चरण को मृत अवस्था कह देते हैं। तब अवस्था इंसान की तो इसी तरह से है, अर्थात यदि 100 साल की आयु है तो 20 वर्ष तक हमारी पहली अवस्था है। तो सबसे पहले अवस्था को नाम से जान लेते हैं। तो पहला अवस्था होता है बाल, जिसको आप बालक अवस्था कहते हैं, और दूसरा अवस्था होता है कुमार, तीसरा अवस्था होता है युवा, चौथा अवस्था होता है वृद्ध और पांचवा अवस्था होता है मृत। हम लोग इन्हीं 5 अवस्थाओं की बात करेंगे और ये यदि क्रम से आप याद रखेंगे, और क्रम से याद रखना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, सबसे पहले बालक होते हैं, उसके बाद हम कुमार हो जाते हैं और उसके बाद हम युवा अवस्था में आते हैं और फिर वृद्धावस्था है और आगे मृत अवस्था। ये अवस्था क्रम से बढ़ते जा रहा है, जैसे आपके जीवन की अवस्था बढ़ती है उसी अवस्था के अनुरूप सबसे पहले आप बाल अवस्था में रहते हैं, उसके बाद आप कुमार अवस्था में जाते हैं, उसके बाद युवा अवस्था में जाते हैं, उसके बाद वृद्ध अवस्था में जाते हैं और उसके बाद मृत अवस्था में जाते हैं। तो जब ये 5 अवस्थाएं हैं, अब यहां क्या है कि 30 अंश का एक राशि होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, और इसी 30 अंश के राशि में ग्रह कहीं ना कहीं स्थित होता है, 5 अंश पे हो, 10 अंश पे हो, 12 अंश पे हो, 18 अंश पे हो, राशि का भोगांश हम लोगों को समझ में आता है, कंप्यूटर आजकल सब कुछ निकाल के देता है। तो 30 अंश की राशि है और उसमें स्थित ग्रहों के भोगांश के आधार पर ही
अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो जब भोगांश के आधार पर जानकारी प्राप्त होती तो सबसे पहले इस 30 अंशों को विभाजित कर दीजिए 5 से, क्योंकि अवस्थाएं 5 हैं। अब जो अंश हमको प्राप्त होता है, ये अंश प्राप्त होता है 6 डिग्री, अर्थात 6 डिग्री में यदि कोई ग्रह है तो वो किसी न किसी एक अवस्था में है, ऐसा समझना है। बहुत सरल हो गया, पुनः देख लीजिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 अवस्थाएं हैं। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, क्रम से याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 30 अंश की एक राशि होती है और उसी 30 अंश में कहीं ना कहीं किसी न किसी भोगांश पे स्थित होता है, इसीलिए उसको हम लोग 5 से भाग दे देते हैं। तो जो अंश प्राप्त हुआ, अर्थात 6 अंश लगभग एक अवस्था की बात बताएगा। तो अब हम लोगों ने अवस्था भी समझ लिया और एक अवस्था 6 अंश का होगा ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, तो आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया सम और विषम राशि, फिर आगे बढ़ गए। तब हम पुनः लौट के आते हैं विषम और सम राशि के ऊपर। तो सबसे पहले हम बीच में लिख देते हैं आपको अवस्था, तो इसमें आता है बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, ये अवस्था हो गया। अब सबसे पहले हम लोग विषम राशि की बात कर लेंगे। अब विषम राशि कौन कौन सी है ये समझ लीजिए, एक मिथुन, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। अगर ग्रह मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि में स्थित हो तो क्रम ये होगा, आप लोग समझिएगा। तो क्रम क्या होगा, बाल से शुरू हो जाएगा और मृत तक जाएगा, क्रमशः बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। और यदि सम राशि हो जाए तब, अब सम राशि कौन कौन सी है, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, अगर सम राशि में ग्रह स्थित हो जाए तो ये अवस्था का क्रम बदल जाएगा। आप लोग इसको समझिएगा, पहले मृत आ जाएगा, फिर वृद्ध आ जाएगा, फिर युवा आ जाएगा और फिर कुमार आ जाएगा और फिर बाल अवस्था आ जाएगा। अब युवा अवस्था को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, चाहे वो मेष से प्रारंभ करें या वृष से, अर्थात विषम राशि में ग्रह स्थित हो या सम राशि में, युवा अवस्था को कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे अधिक किसको पड़ता है, बाल अवस्था और मृत अवस्था को। तो अब कहेंगे ये क्रम आपने लिख दिया तो इसका अर्थ क्या है, तो अब ये समझिए कि कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री तक स्थित हो तब हम क्या कहेंगे कि ये बाल अवस्था में है। कौन से अवस्था में है, बाल अवस्था में है, ये हम लोगों को समझना है। अब और अच्छी तरह से समझिए, यदि कोई ग्रह विषम राशि में स्थित हो तो हम इस पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट को। यदि कोई ग्रह विषम राशि में स्थित हो, 0 अंश से 6 अंश के बीच स्थित हो, मान लीजिए गुरु है 5 डिग्री का, मेष राशि में है, मिथुन राशि में है, 4 डिग्री का, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का है, तो हम क्या कहेंगे कि गुरु बाल अवस्था में है। अब आगे बढ़ते जाइए और 6 डिग्री प्लस करते जाइए, 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच यदि कोई ग्रह विषम राशि में हो तो उसको हम लोग कहाँ कहेंगे, कुमार अवस्था में कहेंगे। अब फिर वही हो जाएगा, 12 डिग्री से 18 डिग्री तक यदि कोई ग्रह हो तो हम किस अवस्था में कहेंगे, युवा अवस्था में। लेकिन ये कहाँ हो, विषम राशि में हो। यदि विषम राशि में
कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में हो तो ये युवा अवस्था है और सबसे अच्छी अवस्था कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह हो तो उसको वृद्ध अवस्था में कहते हैं। लेकिन ये कौन से राशि में होना चाहिए? विषम राशि में। और यदि 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच कोई ग्रह स्थित हो तो उसको मृत अवस्था में कहते हैं। हमारे होरा पराशर में इसकी चर्चा है और हम चूंकि विशेष रूप से पराशरी सिद्धांत को पढ़ाते हैं, अन्य ग्रहों का भी हम जरूर उदाहरण लेते रहते हैं अन्य पुस्तकों का, लेकिन मूल रूप से पराशर को ही आप लोगों को बताना चाहते हैं और वहां अवस्था की विस्तृत चर्चा है। तो यह आप लोगों ने देख लिया कि विषम राशि में यदि कोई ग्रह हो तो बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत क्रम से 6-6 डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे और अवस्था हम लोग बताते जाएंगे। अब यदि कोई सम राशि में ग्रह हो तो पहला अवस्था जो होगा 0 डिग्री से 6 डिग्री तक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मृत अवस्था में। जैसे हमने कहा था कि गुरु यदि सम राशि में हो, अर्थात यदि अब देखिए गुरु सम राशि कर्क राशि में 5 डिग्री पे उच्चांश के कहे गए हैं और 5 डिग्री सम राशि में ये मृत अवस्था में आ जाता है, तो क्या ऐसे उच्च के गुरु रिजल्ट नहीं देंगे? अब फलित ज्योतिष में बहुत अवस्थाओं के ऊपर बल देना ये बहुत जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों का प्रश्न आने लगा था, कई लोगों ने फोन करके भी बताया कि सर अवस्था के विषय में नहीं बताएंगे, अवस्था भी तो रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। हमने कहा कि अवस्था को पढ़ लेना और जान लेना भी जरूरी है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम आगे बताते रहेंगे, लेकिन आपको पहले ही हमने बताया था उच्च और नीच की स्थिति में। यहाँ देखिए ग्रह उच्च के होंगे, गुरु कर्क राशि में, कर्क सम राशि है और 5 डिग्री पे उच्च के होते हैं, और यहाँ क्या बता रहा है कि सम राशि में यदि कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में हो तो वो मृत अवस्था में है। तो आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि अब हम इसको उच्च का माने या मृत का माने। चलिए आगे उसकी बात करेंगे, रिजल्ट के ऊपर कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा और हम इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। अभी पहले हम लोग अवस्थाओं को ही समझते हैं। तो ये मृत अवस्था आप लोगों ने सम राशि में देखा और ये विपरीत हो गया है, पहले मृत, फिर वृद्ध, फिर युवा, फिर कुमार और फिर बाल अवस्था। तो आगे बढ़ते हैं वृद्ध अवस्था के लिए, 6 डिग्री से 12 डिग्री यदि सम राशि में कोई ग्रह हो तो वृद्ध अवस्था। युवा अवस्था के लिए कहेंगे 12 डिग्री से 18 डिग्री, हमने कहा यहाँ और यहाँ 12 डिग्री से 18 डिग्री। तो युवा अवस्था में यदि कोई ग्रह है, अर्थात कोई भी ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब हम लोग भावमध्य भी पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे ग्रह परिवर्तित नहीं होते जो युवा अवस्था में होते हैं, और भावमध्य के बाद हम लोग भाव श्रीपति जिसको पढ़ना है आगे हम लोगों को, उसका भी हम अध्ययन आप लोगों को कराएंगे, तो वहाँ जाकर के भी इस अवस्था फल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमको जानना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका उपयोग जरूर किया जाता है और इसके उपयोग का लाभ भी मिलता है। तो आगे चलते हैं, कुमार अवस्था के लिए क्या है कि 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में हो तो हम कुमार अवस्था में कहेंगे, और 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो तो हम लोग बाल अवस्था में कहेंगे। अवस्था को जानने के लिए सबसे पहले विषम राशि और सम राशि को जानना जरूरी है। यदि राशि विषम है तो उसका क्रम बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत होगा, और यदि सम राशि है तो मृत, वृद्ध, युवा, कुमार और बाल होगा, ये क्रम होगा, अर्थात उल्टा क्रम हो जाएगा। और पहले 6 अंश तक बाल अवस्था विषम राशि में, दूसरे 6 अंश तक कुमार अवस्था, तीसरे 6 अंश तक
युवावस्था, चौथे छह अंश तक वृद्ध अवस्था और पांचवें छह अंश तक मृत अवस्था होता है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। और ठीक इसका विपरीत सम राशि में होता है। अभी अवस्था से ही मन में यदि आपको लग जाए कि बाल अवस्था में क्या रिजल्ट करेगा, मृत अवस्था में क्या रिजल्ट करेगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगले पाठ में हम इसके रिजल्ट के विषय में बताएंगे तो आप लोगों को और आसान हो जाएगा। इस पाठ में इसलिए नहीं जोड़ेंगे कि आप कंफ्यूज होने लगेंगे। पहले इस अवस्था को रटना नहीं है, आप देखें ना कितने सरलतापूर्वक समझ में आया है, तो इतने ही सरलतापूर्वक आप अपने हाथों से बना लीजिए, एक बार समझ लीजिए, जीवन भर आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ग्रह कौन से अवस्था में है। आपको पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो या जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह के शंका का समाधान चाहते हो, चाहे वो टोने टोटके किसी ने आपको बता दिए हैं उसके भी विषय में पूछना हो, तो जहाँ तक हमारा ज्ञान होगा हम आपका सहयोग करेंगे। आप बेफिक्र होकर के फ़ोन कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।